नाराजगी क्यों है आप? ये कौन है, किनका नाम ले रहे हो आप? क्यों ले नाम ले रहे हो? जिस दिन से प्रतापगढ़ में जाकर सपाई मुखिया अखिलेश यादव ने कुंडा के विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया को पहचानने से इनकार किया है, उसी वक्त से ये कयास लगाए जाने लगे थे कि अखिलेश और राजा भैया की दोस्ती मुश्किल ही नहीं नामुमकिन। राजा भैया से क्यों नाराजगी क्यों है आप? ये कौन है, किनका नाम ले रहे हो आप? क्यों ले नाम ले रहे हो? ये कौन है, कौन है ये? ये बात शायद अब खुद जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के अध्यक्ष राजा भैया बहुत ही अच्छी तरह से जान और समझ गए। यही वजह है कि वो अब संकेत देने लगे हैं कि इस बार के चुनावी जंग में वो महाराज का साथ देने वाले, महाराज यानी सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ। विधानसभा चुनाव में 100 सीटों पर लड़ने का ऐलान कर चुके प्रतापगढ़ की कुंडा सीट से 6 बार के विधायक राजा भैया ने अपने सियासी पत्ते खोलना शुरू कर दिया। हाल ही में दैनिक भास्कर को दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने एक बात तो साफ कर दी कि जरूरत पड़ने पर वो बीजेपी का साथ तो दे देंगे, लेकिन अखिलेश यादव की पार्टी के साथ वो नहीं जाएंगे। भद्री नरेश के नाम से मशहूर राजा भैया से इंटरव्यू में जब पूछा गया कि वो आने वाले चुनाव में किस पार्टी के साथ जाएंगे, तो इस सवाल पर राजा भैया ने कहा, कुंडा की जनता ने लगातार 6 बार निर्दलीय विधायक चुनकर विधानसभा भेजा, चुनाव में गठबंधन होगा या नहीं होगा ये अलग बात है, लेकिन इतना जरूर तय है कि हम 100 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। राजा भैया ने अखिलेश यादव की ओर इशारा करते हुए कहा, सपा को समर्थन नहीं देंगे, ये उनके आचरण और भाषा से स्पष्ट है। हम भाजपा को अपना समर्थन देने पर विचार कर सकते हैं। बीजेपी के साथ जाने के संकेत देने वाले राजा भैया से जब महंगाई और रोजगार पर सवाल किया गया, तो इस सवाल पर भी वो एक तरह से सरकार का बचाव करते ही नजर आए और कहा, महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा देश की आजादी से चला आ रहा है और जब तक दुनिया रहेगी तब तक ये मुद्दा सामने आता रहेगा। इतना ही नहीं, बीजेपी के मंदिर के नाम पर वोट मांगने के मुद्दे पर जब राजा भैया से सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा, एक विदेशी आक्रांता ने श्रीराम मंदिर ध्वस्त कर मस्जिद बनवा दी थी। आज हम लोकतंत्र में जी रहे हैं और देश की सर्वोच्च अदालत के फैसले के अनुसार मंदिर का निर्माण हो रहा है। इससे किसी को दिक्कत नहीं है, कोई कुंठित है और उसका काम केवल हर बात में कमी निकालना ही है तो वो वही करेगा। श्रीराम जन्मभूमि पर मंदिर के निर्माण में हर उस शख्स का योगदान है जो मंदिर बनने के पक्ष में है। अन्य धर्म में पैगंबर आए, संदेशवाहक आए, लेकिन श्रीराम और श्री कृष्ण हिंदू धर्म में साक्षात ब्रह्म के रूप में अवतरित हुए। राजा भैया ने ना तो महंगाई के मुद्दे पर बीजेपी के खिलाफ कुछ कहा और ना ही मंदिर के नाम पर वोट मांगने के मुद्दे पर बीजेपी को घेरा, जिससे इस बात के साफ संकेत मिल रहे हैं कि उनके दिल में बीजेपी को लेकर एक सॉफ्ट कॉर्नर है। वैसे भी राज्यसभा चुनाव के समय राजा भैया ने सपा से गठबंधन होने के बावजूद अखिलेश यादव का साथ देने की बजाय बीजेपी का साथ दिया था, क्योंकि अखिलेश और मायावती के बीच उस वक्त दोस्ती हुआ करती थी और ये बात तो हर कोई जानता है कि मायावती और राजा भैया के बीच कितनी बड़ी दुश्मनी। इसी राज्यसभा चुनाव की वजह से अखिलेश और राजा भैया के बीच 36 का आंकड़ा है। दोनों के बीच दूरी इस कदर बढ़ गई है कि अखिलेश यादव ने राजा भैया के सवाल पर यहां तक कह दिया था कि ये कौन है। राजा भैया से क्यों नाराजगी क्यों है आप? ये कौन है, किनका नाम ले रहे हो आप? क्यों ले नाम ले रहे हो? ये कौन है, कौन है ये? कौन है? अरे पत्रकार साथियों, आप भी सरकार हटाना चाहते हो हम जानते हैं। अखिलेश के इसी रवैये के बाद राजा भैया ने इस बार के चुनाव में बीजेपी को समर्थन देने के संकेत दे दिए। वैसे इस मामले पर आपका क्या कहना है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।
राजनीति क्यों है आप? ये कौन है, किनका नाम ले रहे हो आप? क्यों ले नाम ले रहे हो?